क्लास 10 एसएसटी पेपर। तो पहला क्वेश्चन इसका ये था, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हुज रोल वाज मेजर इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो इसका आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। सेकंड क्वेश्चन है, नेपोलियन कब हारा? तो नेपोलियन 1815 में हार गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू स्टार्ट नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। आर्थिक महामंदी यानी कि इकोनॉमिक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ? इसका आंसर है 1929। क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा गया कि यूनियन लिस्ट यानी कि संघीय सूची का विषय कौन सा है इसमें? तो यूनियन लिस्ट के अंडर आती है डिफेंस यानी कि रक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यह पूछा गया है कि जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम है, उसमें किस तरह से पावर को डिवाइड किया गया है? तो इसमें पावर को बांटा गया है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। इसका आंसर है ए। चलिए अब सेक्शन बी के एमसीक्यूज की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि सीढ़ीदार खेती कौन से प्रदेश में होती है, कौन से राज्य में होती है? टेरेस्ट फार्मिंग। तो टेरेस्ट फार्मिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे पहाड़ होते हैं या पहाड़ी इलाका होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड ही ऐसा ही जगह है, हरियाणा में पूरा प्लेन एरिया है, पंजाब में भी और गुजरात में भी। तो यहाँ पे टेरेस्ट फार्मिंग नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आना था प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें पूछा गया है कि एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी में कौन कौन से जो ये एलिमेंट्स हैं या कह सकते हैं आप कंपाउंड्स हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? पोटाश, चूना और फॉस्फोरस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये तीनों ही एलुवियल सोयल में पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि एंथ्रासाइट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? तो एंथ्रासाइट एक तरह का कोयला होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोल यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? What percentage of people get loan from informal sources? वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि और क्लियर किया जाना चाहिए था कि कौन से लोगों की बात हो रही है, शहरी लोगों की या गांव वाले लोगों की, और साथ में अमीर लोगों की बात हो रही है या फिर गरीब लोगों की बात हो रही है। तो इससे थोड़ा क्लियर होता, क्योंकि अगर हम बात करें तो बुक में ऐसे गिवन है कि 10% अमीर लोग जो शहर में रहते हैं वही सिर्फ इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, लोन लेते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है क्लैरिटी होनी चाहिए थी। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि जितने ऑप्शन हैं उसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। चलिए अब बात करते हैं मैप वर्क की। तो 14th क्वेश्चन जो था वो मैप वर्क बेस्ड था। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का कन्वेंशन 1927 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। तो आपको तमिलनाडु यानी कि जो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तो मैप में आपको इसे तमिलनाडु में चेन्नई को ही पहले मद्रास कहा जाता था, तो तमिलनाडु के अंदर आपको फिल करना था इसको। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में कहाँ स्टार्ट किया? तो कहाँ स्टार्ट किया? दांडी, और दांडी पड़ता है गुजरात में।
और ये आंदोलन यानी कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, और ये साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है, तो आपको इसका आंसर गुजरात में साबरमती आश्रम फिल करना था। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में, तो पंजाब में आपको अमृतसर फिल करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर वाज फार्मर्स सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड, तो किसानों के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था, वो कहाँ पे चलवाया गया था, तो इसका आंसर आएगा चंपारण, और चंपारण पड़ता है बिहार में। वेयर वाज द सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929, यानी कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था लाहौर में। तो इस वीडियो में मैंने आपको MCQs के आंसर्स और मैप के आंसर्स बताए हैं, हो सकता है मेरे आंसर्स और आपके आंसर्स में थोड़ा बहुत अलग भी आए, क्या पता आपका आंसर सही हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो सही आंसर हो सके उन्हीं को बताऊं। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि मेरा आंसर गलत है, आपका आंसर सही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में और, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट में उसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं।